बहुत ही बढ़िया सुकून मिल रहा है। बहुत दिन के बाद आए हैं प्रोस्पेक्ट का होगी देख रहे होंगे। पूरा यहाँ पे रेड बॉल जो है वो देख पा रहे, रेड बॉल का काम जो है वो अब चालू हो चुका है। मतलब हम रहेंगे ट्रैक्टर जो है वो रेड बॉल लेकर आ रही है देख रहे होंगे। प्रोस्पेक्ट पे ही पूरा जो है वो आसियाना बिस चुका है, गाय माल को बांधा जा रहा है। लाने का रीज़न क्या है कि करीब करीब हम लोग 1.5-2 मन से इतना ज़्यादा डर लगता है इस रोड में गाड़ी चलाने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अप्रोच पथ पे है वो, और उसके बाद देख पा रहे होंगे कि उधर भी जेसीबी जो है वो काम कर रही है। ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। सो गाइस, आज का जो अपडेट होगी वो होगी अप्रोच पथ का सुल्तानगंज साइड से। तो हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोग कवर कर पाए, अंदर जा पाए। तो पिछले बार तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, कारण क्या था कि पूरा एकदम पानी से डबाडब था, भरा हुआ था, तो जिस कारण से दिक्कत हो रही थी। इधर भी देख पा रहे होंगे गैस कि मिट्टी जो भरा हुआ था वो देख रहे होंगे वैसे ही रखा हुआ है, इधर देख पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जा पाते हैं या न। ओ भाई भाई भाई, इस बार भी हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, पूरा गाइस कादो कादो है। सो गाइस, हम लोग अप्रोच पथ के पास आ चुके हैं। मतलब अगर बोला जाए तो क्षेत्र कहाँ पे हम लोग आए हैं, तो क्षेत्र अगर बता दिया जाए तो अबजूगंज से थोड़ा सा आगे आ पाइएगा, तो वहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है तो उधर से ही। तो गाइस, आज हम अपना वॉच जो है वो भूल चुके हैं, थोड़ा सा ऑफर्ट फील हो रहा है, पर क्या करें। अगर गाइस इस जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अप्रोच पथ पे है वो पूरा गाय माल को बांध दिया गया है, पर क्या करेगा, बाढ़ जो आया था तो उसके लेके दिक्कत तो हो ही रही थी आम पब्लिक को। यही एक रास्ता देखने को ये लोगों को मिला, मतलब रहने के लिए रास्ता मिला, जगह मिला, तो रहना स्टार्ट कर दिया है देखेंगे। और इधर लाने का रीज़न क्या है कि करीब करीब हम लोग 1.5-2 मन से अप्रोच पथ के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं किए थे देख रहे होंगे। अप्रोच पथ पे ही पूरा जो है वो आसियाना बिस चुका है, गाय माल को बांधा जा रहा है देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं, आगे रेड बॉल का काम दिख रहा होगा आपको, तो रेड बॉल का काम भी गाइस चल के दिखाते हैं कि कितना दूर हुआ है, और उसके बाद जो है हम लोग आगे चल के देखेंगे। देख पा रहे होंगे रेड बॉल का काम जो है वो अब चालू हो चुका है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं करीब करीब जो है 5 फीट और ऊंचाई होगी देख रहे होंगे। पूरा यहाँ पे रेड बॉल जो है वो काम हो रही है, रेड बॉल का। बहुत ही बढ़िया सुकून मिल रहा है, बहुत दिन के बाद आए हैं प्रोस्पेक्ट का जानकारी गाइस लेने के लिए। तो देखने को बाद मतलब इतना का खास, इतना ज़्यादा काम देखने को मिला कि क्या ही बताएं। हम लोग आए थे तो अच्छा खासा मिट्टी का ही काम हो रही थी, और उसके बाद बरसात आ गया, बरसात के बाद बाढ़ आ गया, तो जिस कारण से हम लोग इधर ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो जिस कारण से दिक्कत हो रही थी। हम लोग देख रहे होंगे कि अब जो है मिट्टी का ही काम दिख रहा होगा, और उसके बाद जो है आप लोग को रेड बॉल का काम पीछे दिखाए, और देखते हैं कि गाड़ी मेरा कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर देख रहे होंगे। अब जो है गाड़ी वो नहीं जा रहा पा रही है, देख रहे होंगे ट्रैक्टर जो है वो आ रही है रेड बॉल लेके। हम लोग को यहाँ पे दिखा दिया जाए तो देख रहे होंगे ट्रैक्टर जो है वो रेड बॉल लेके आ रही है। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि कहाँ तक जा सकते हैं इधर से, अगर हो गई रास्ता तो ज़रूर से हम निकल जाएंगे, नहीं तो फिर। अरे वाह भाई, गाड़ी भी स्लिप मार रही है बहुत ही ज़्यादा। भाई भाई देख रहे होंगे कितना मेहनत और कितना दिक्कत होता है गाड़ी को इधर ले आने में, फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिहार के अंदर, ताकि बिहार के लोग देखें कि बिहार में क्या काम हो रही है गाइस, क्योंकि बहुत ऐसा लोग है जो कि भ्रम में जी रहा है कि बिहार में काम नहीं हो रही है, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखते हैं,
भाई 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 साहब, इतना ज़्यादा डर लगता है इस रोड में गाड़ी चलाने में, क्या बताएं भाई। चलो 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 चलो, उस जगह पर से हम आप लोग को रास्ता पर से दिखाए थे कि ये पूरा क्षेत्र डूबा हुआ था ऐसे करके, तो अभी देख पा रहे होंगे पूरा पानी जो है वो निकल चुका है। और उसके बाद देख पा रहे होंगे कि उधर भी जेसीबी जो है वो काम कर रही है, दिख रहा होगा इस जगह पे जेसीबी और रेड बॉल का काम कर रही है। कारण क्या है कि उधर से रोड बना रही है ट्रक और जेसीबी वगैरह सब जाने आने के लिए, रोड रोलर सब जाने आने के लिए, कि और कहाँ कहाँ काम हो रही है। फिलहाल देख पा रहे होंगे भाई मेरा तो बाइक का वाट लग गया है ब्रो, फिर से पूरा मिट्टी चला गया डिस में, देख रहे होंगे। इधर भी गाइस आप लोगों को हम दिखाए थे काम, कि काम जो है वो ठप हो चुका था, रोक दिया गया था, नहीं हो रहा था, देख रहे होंगे। सारा जगह जो है वो दलदली क्षेत्र है, मिट्टी है, जिस कारण से होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और गाइस बता दिया जाए तो ये NH-80 ही है। बहुत लोग हमारे दोस्त भाई मैसेज करें कि भाई नहीं ये NH-33 है, तो आप गूगल मैप में आप लोग को यहाँ पे 33 शो करेगा, पर एक्चुअल में जो है वो NH-80 है। और सब दिन से ये NH-80 ही था, और अभी तो गाइस 33 ये हुआ नहीं है। कारण क्या है कि बढ़िया, अगर पटना की ओर अगर जाइएगा तो कुछ क्षेत्र जो है 33 आपको देखने को मिलेगा, पर ये NH-80 है एक्चुअल में। सो गाइस देखें कि बाढ़ का पानी और बरसात, आधा सीजन ख़त्म हो गया, बाढ़ भी अब ख़त्म हो चुका है, तो अब जाके काम का जो अप्रोच पथ का काम जो है वो रनिंग में आया है। तो एक जगह आप लोग को दिखाया कि रेड बॉल का जो काम है वो किया जा रहा है, और अब हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोच पथ का जो काम का रनिंग है वो धीरे धीरे अपने एक जो पहले स्तर पर काम हो रहा था एकदम बेहतरीन से, तो उसी तरीका से अब भी स्टार्ट हो गया है। सो होप करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अपडेट अच्छा लगे, अगर प्यारा से लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा एक मस्त सा वीडियो के साथ, मस्त सा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।